चीन से निकला कोरोना वायरस पूरी दुनिया में कोहराम मचा रहा है। यहाँ से करीब करीब 110 किलोमीटर की दूरी पर है ताइवान, जिसने कोरोना को कंट्रोल करने के मामले में दुनिया को एक सबक दिया है। ताइवान में अभी तक करीब 300 कोरोना के मामले सामने आए हैं। नवंबर में जब चीन के वुहान में अचानक से कोरोना ने फैलना शुरू किया तो ताइवान तुरंत एक्टिव हो गया। क्योंकि चीन और ताइवान के बीच की दूरी भी काफी कम है, इसलिए दोनों देशों के बीच लोगों का आना जाना काफी था। इससे ताइवान में कोरोना के फैलने का खतरा सबसे ज्यादा था। लेकिन ताइवान ने ऐसा क्या किया कि जो बीमारी दुनिया के दूसरे देशों में फैली उसका ज्यादा असर यहाँ देखने को नहीं मिला। दरअसल ताइवान ने पहले ही खतरे को भांप लिया था और उसने शुरुआत में ही कड़े कदम उठाए। ताइवान ने वुहान से आने वाले जहाजों की सख्ती से चेकिंग की। 23 जनवरी को ही वुहान के नागरिकों के प्रवेश पर बैन लगा दिया गया और 25 जनवरी को चीनी नागरिकों की एंट्री पर भी बैन लग गया। ताइवान यही नहीं रुका, जब दुनिया के दूसरे देशों में मास्क और मेडिकल सामानों की कमी हो गई तब ताइवान ने इसका मुस्तैदी से प्रबंधन किया। एक रिपोर्ट के मुताबिक ताइवान ने 24 जनवरी को मास्क और अन्य जरूरी चीजों के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया। इसके बाद हर दिन 1 करोड़ मास्क का प्रोडक्शन शुरू किया गया ताकि इसकी कमी ना पड़े। जनवरी में सरकार ने मास्क के डिस्ट्रीब्यूशन को अपने हाथ में लिया, इससे मास्क और अन्य सामान की कीमत को कंट्रोल में रखा गया। ताइवान ने एक कमांड सेंटर भी बनाया, इससे कोरोना संक्रमित लोगों का पता लगाने में आसानी हुई। साथ ही इन्फेक्शन के सोर्स का भी इसके जरिए पता लगाया गया। सरकार ने बड़े स्तर पर लोगों में जागरूकता भी फैलाई। कोरोना से लड़ने में ताइवान ने टेक्नोलॉजी का सबसे अच्छा इस्तेमाल किया। एक टेक टूल के जरिए विदेशी और ताइवान के नागरिकों का डेटा इंटीग्रेट किया गया। इससे लोगों की 14 दिन की ट्रैवल हिस्ट्री का पता लगाने में आसानी हुई। इस डेटा को अस्पतालों के साथ साझा किया गया ताकि डॉक्टरों को मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में पता हो। ताइवान 2003 में सार्स महामारी का प्रकोप झेल चुका था। इससे सबक लेते हुए उसने एक नेशनल हेल्थ कमांड सेंटर भी बनाया था जो जनवरी में ही एक्टिव हो चुका था। ताइवान ने एयरपोर्ट पर कड़ाई से स्क्रीनिंग की। हाई रिस्क वाले लोगों को सरकार ने क्वारंटीन में भेज दिया। इन लोगों को एक यूनिक मोबाइल नंबर दिया गया। इस नंबर से लोगों पर निगरानी रखी गई। ताइवान ने डेटा के मामले में पारदर्शिता को अपनाया, किसी भी तरह के आंकड़ों के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई। ताइवान में जिन लोगों ने क्वारंटीन का उल्लंघन किया उन पर सरकार ने भारी जुर्माना लगाया। यूनिक नंबर से संक्रमित लोगों पर निगरानी रखी गई ताकि उनकी आवाजाही का पता चलता रहे। ताइवान के पास एक बेहतरीन हेल्थ सिस्टम है, यही वजह है कि वो अपने सभी नागरिकों को सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराता है और कोरोना से निपटने में कहीं ना कहीं इसका बड़ा योगदान रहा है।